करेंगे। सेब को दो। और ये देखिए दरमियान में दरिया के बहुत सी मिट्टी, तो ये आप देख सकते हैं पूरा ब्रिज नजर आता हुआ दरिया सतलुज का। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बैक साइड में भावलपुर सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है। और सामने आपको भावलपुर टूल प्लाजा, ये ब्रिज के उस साइड में नजर आ रहा होगा। और ये देखिए दरमियान में दरिया के बहुत सी मिट्टी जमा है, ये साइड में भी पानी चलता रहा और ये साइड में भी। ये आप देख सकते हैं वाले बने हुए हैं पानी के चलने के, जैसे ये चल रहा है ये देखिए। और कहीं कहीं बहुत से ढेर लगे हुए हैं और कहीं कहीं गहरे। इसकी कहानी ये है कि तकरीबन आज से 20 साल पहले यहाँ बहुत पानी चलता था इस दरिया में, काफ़ी खर्राटे मार कर चलता था। लेकिन जब से इंडिया ने ये पानी जो है ना पीछे डैम बनाकर इस दरिया को कंट्रोल किया है, तो उसके बाद ये पानी अब काफ़ी कम ही आता है। सैलाब के दिनों में थोड़ा बहुत आता है लेकिन नहीं आता। यहाँ बैठकर थोड़ा ड्रिंक पियेंगे और काफ़ी आज आउटिंग की यहाँ दरिया सतलुज में। साकिब भी कब से कह रहा था हमें दरिया दिखाओ, हमें अपना दरिया दिखाओ, क्योंकि ये दरिया हमारे करीब है। ये हमारे घर से तकरीबन यहाँ से अगर फासला किया जाए तो 20 किलोमीटर। सोहेब ने रास्ते में पापड़ खरीद लिए हैं खाने के लिए, शापर भी इधर करते हैं। सेब को दो। साकिब अभी कैमरा पकड़े हुए हैं तो हम पी लेते हैं फिर साकिब को देते हैं। क्यों साकिब बाद में पी लेगा आशा पर जी। ये साकिब आओ पी लो आओ। हाँ बच्चों कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। दरिया के वस्त में बैठकर तुम ड्रिंक कर रहे हो, क्यों बेगम? समझो कि दरिया के बिल्कुल दरमियान में बैठी हो तुम। जब पानी चलता होगा तो यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर पानी यहाँ से भी 10 फीट ऊपर चलता होगा, ऐसे समझ लें। जुहेब ये जगह जहाँ तुम बैठे हो यहाँ बहुत पानी चलता है जब दरिया चलता है तो। ये सामने इधर मकान नज़र आ रहे हैं आगे, ये देखिए ट्रैफिक का हजूम लगा हुआ है ब्रिज के ऊपर। हाँ साकिब को दो, साकिब को दो ड्रिंक, वेब को भी दो। तो मौसम भी ठंडा हो गया है, तकरीबन 4 बजे का टाइम है। हम यहाँ से सीधे आए थे, आप सीधे वापस घर जाएंगे, तो जाते जाते आपको टूल प्लाजा भी दिखाएंगे, भावलपुर टूल प्लाजा। तो चलें वेब चलें, दरिया तो देख लिया। ये हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, वो साइड में भी ब्रिज है, ये ट्रैफिक गुजर रही है। और हम वो साइड में गए थे नीचे, तो आगे थोड़ी देर टूल प्लाजा भी आ जाएगा। गाड़ियाँ रुकी हुई हैं हर तरफ, हम यहाँ से टर्न करेंगे। अभी अभी हम घर पहुंच गए हैं,
तो आज बहुत खुश हुए साकिब और जुहेब, जिंदगी में पहली बार इन्होंने दरिया देखा और दरिया के अंदर जाकर फ्रंट में बैठकर इन्होंने ड्रिंक की, तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ तो मैं भी पहली बार गया, क्योंकि पानी में तो कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, ये तो दरिया सूखा हुआ था और हम चले गए वहाँ पर। इसकी भी एक दर्दनाक कहानी है दरियाए सतलुज की, कि 20 साल पहले ये भी ज़ोर शोर से चलता था और यहाँ भी पानी की तुगियानी होती थी और बहुत खूबसूरत मंज़र होता था, कश्ती रानी भी होती थी वहाँ पर जहाँ हम गए। तो अब तो ये खुश्क हो गया है, हमारे हमसाया मुल्क ने पीछे से डैम बनाकर इसका पानी रोक लिया है, तो अब उसकी जो रौनक है वो जीवाल पजीर है। तो बेगम साहबा वापसी पे साकिब और जुहेब के लिए कपड़े भी लेकर आई है, ये देखिए, ये है जी स्टार का कपड़ा है, ये कौन सा है, ये साकिब ने कलर पसंद किया है और ये नीला कलर जुहेब ने, ये भी वॉशिंग वेयर स्टार ही मालूम होता है, फैब्रिक मैन फैब्रिक, दोनों कपड़े अच्छे हैं। अभी ये गर्मियों के दिन है ना, इसलिए हल्का कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है गर्मियों में। बेगम साहब थक गई हैं, कितना 20 किलोमीटर तो सारा हमने मोटरसाइकिल पे सफ़र किया और पैदल भी हम ज़्यादा नहीं गए, तकरीबन थोड़ा दरिया के अंदर गए, तो आप कहती हैं थक गई हूँ मैं, लोग सारा सारा दिन दरिया के अंदर घूमते हैं। तो इंशाल्लाह आज की हमारी आउटिंग, हमारा सफ़र आपको भी बहुत पसंद आया होगा। जो बावलपुर सिटी के साथ टोल प्लाजा है वो भी हमने आपको दिखाया और दरिया सतलुज में गए। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी सम्मान में रखे, आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया, सबको अल्लाह ताला अपनी सम्मान में रखे। जो मजदूर भाई हैं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो स्टूडेंट तालिब इल्म हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।